देव, आज मुझे एक इशू का आपसे समाधान चाहिए। जब हम जिंदगी में हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं, जो जानवर हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। हम तो क्यों ना हम क्रिएटर कम्युनिटी मिलके कुछ ऐसा करें ताकि जो जानवर हैं, जितना हम खुशी से रहना चाहते हैं, उनको भी उतना ही हक है खुशी से रहने का। तो प्लीज आप हमें कुछ ऐसा संदेश दें कि ना कि सिर्फ हम अपनी जिंदगी पे रोशनी डालें, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द हमारे भगवान के बच्चे हैं जानवर, उनकी भी जिंदगी में हम रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, हर जीव जंतु को सम्मान करना ये अपनी संस्कृति में बनी हुई ओत प्रोत है। ये बाहर के देशों में नहीं था। 42 साल पहले हम अमेरिका यूरोप वगैरह घूमते थे, वहाँ वेजिटेरियन फूड की बात ही नहीं करते थे। आज वहाँ सब जगह वीगनिज्म की बहुत बड़ी आवाज उठी है। मगर इसमें दो कारण है। वहाँ क्या एनिमल्स को इतना हार्मोन इंजेक्शन दे के सताते हैं, और वहाँ की जो दूध है वो मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, A1 मिल्क है वहाँ। मगर भारत में जो गाय है A2 मिल्क देते, सिर्फ वो भी यहाँ की गुजरात के गीर गाय। A2 मिल्क, मदर मिल्क दोनों एक ही है। वीगनिज्म में कहते कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, मगर भारत में मैं देखता हूँ ऐसे जो लोग कहते हैं उनकी स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं दिखता। मेरा दूध की यहाँ आवश्यकता है, क्यों? उसमें B12 की बहुत कमी होती है लोगों में। But everybody cannot afford to go and get B12 injections and medicines. मैं भारत में ये नहीं कहूँगा कि तुम वीगनिज्म लो, मैं कहूँगा गाय का दूध पी, दही ले लेते, क्यों? दही बहुत आवश्यक है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए। मगर जब हम गाय को पूछते हैं, इतना अच्छा देखभाल करते हैं, उस थोड़ा सा दूध उससे लेंगे तो इससे गाय को कोई नुकसान नहीं होता। पूरा दूध तो बछड़ा पी नहीं सकता, बछड़े को दूध दीजिए और आप भी गाय का दूध लीजिए, ये ठीक है। A2 मिल्क से कभी कोई शिकायत नहीं था कि इससे कैंसर नहीं आती हूँ, मगर A1 मिल्क से कैंसर की बीमारी आ जाती। और जीव दया तो होना ही चाहिए। आप सब इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बोलिए, मैं एक छोटा सा निदर्शन दूंगा। नेपाल में एक मंदिर था, उस मंदिर में ये प्रथा थी 5 पक्षियों को बलि चढ़ाने का। हर एक व्यक्ति 5-5 पक्षी बलि चढ़ाएगा देवी के मंदिर में। लाखों पक्षियों की बलि चढ़ती थी नवरात्रों। हमने वहां के पुजारियों को बुलाया था, उनको ट्रेनिंग दिया, हमने उनको बताया भाई माँ दुर्गा ये चाहती है क्या बलि चढ़ा, अपने भीतर का पशु तो बलि चढ़ाना चाहिए, पशु को नहीं। तो अभी 5 साल में वो बंद हो गया, अब वहाँ वो पंखियों को मार नहीं रहे हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस हमें सब मिलके क्रिएट करें। शाकाहारी पर आप लोग जोर दीजिए, अहिंसा पर जोर दीजिए। अभी हमारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर फूड फेस्टिवल भी था, तो 80 देशों का अलग अलग फूड ट्रक्स रही। हमने ये कह दिया कि हमारे प्रोग्राम में सब वेजिटेरियन होगा। सो इट वॉज कॉल्ड इको फ्रेंडली फूड फेस्टिवल। इको फ्रेंडली मैंने पता ही आपको, इट्स ऑल वेजिटेरियन। सो सब लोग इतना एंजॉय किए थे। इसमें आप लोगों सबको भाग लेना पड़ेगा। हा?